शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। ठीक है, गवर्नर जनरल, उनका कार्यकाल और उनके समय की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, इनका कार्यकाल रहा 1774 से 1785 तक। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इके तारीख प्रथा का प्रारंभ। ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध, फिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है, इनके समय की प्रमुख घटना है। ठीक है, उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन। ठीक है, उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन, इनका कार्यकाल 1785 से 1786 तक। ठीक है, और इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके बाद गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी। ठीक है, इनके समय की प्रमुख घटना, तृतीय मैसूर युद्ध, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत, भारत में आंतरिक सेवा का जनक, पुलिस व्यवस्था के जनक, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। ठीक है, इनके समय की ये प्रमुख घटना है। ठीक है, इनके बाद आते हैं सर जॉन शेर। ठीक है, सर जॉन शेर, इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1793 से 1798 ईस्वी तक। ठीक है, और इनके समय प्रमुख घटना, अहस्तक्षेप की नीति, 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इनके समय की प्रमुख घटना है। ठीक है, इनके बाद आया लॉर्ड वेलजली। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1798 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, और इनके समय की प्रमुख घटना, सहायक संधियां, चतुर्थ आंगल, मैसूर युद्ध, द्वितीय एवं तृतीय मराठा युद्ध, बेसिन की संधि 1802 में हुई, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, ये किसके समय की घटना है, लॉर्ड वेलजली की। ठीक है, उसके बाद सर जॉर्ज वार्लो, इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1805 से 1807 ईस्वी तक। ठीक है, और इनके समय की प्रमुख घटना, हस्तक्षेप की नीति का समर्थक, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। ठीक है, ये भी किसके समय घटना है, सर जॉर्ज वार्लो का। ठीक है, इनके बाद का कार्यकाल लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, इनके बाद गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इनका कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी। ठीक है, रणजीत सिंह के समय अमृतसर की संधि। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो प्रथम के, कब हुई थी, 1809 में। ठीक है, अप्रैल 1809 में। ठीक है, इनके बाद आता है गवर्नर जनरल मार्कसिक ऑफ हस्टिंग। ठीक है, मार्कसिक ऑफ हस्टिंग, इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1813 से 1823 ईस्वी तक। ठीक है, इनके समय की प्रमुख घटना, तीसरा मराठा युद्ध, मराठा परिसंघ का विघटन, रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में हुई थी। ठीक है, पेशवा पद की समाप्ति, पिंडरियों का दमन, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू। ठीक है, 1822 में। ठीक है, आंगल नेपोल युद्ध 1814 से 16 और सुमोले की संधि। ठीक है, सुगोले की संधि 1816 में हुई थी, किसके समय में हुई थी, मार्कस हाफ हेस्टिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, इनका कार्यकाल 1823 से 1828 तक। इनके समय की प्रमुख घटना क्या है, बर्मा का प्रथम युद्ध, 1824 में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह। ठीक है, ये किसके समय घटना है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की। ठीक है, इनके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनका कार्यकाल 1828 से 1833 ईस्वी तक। ठीक है, और इनके समय की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं, सती प्रथा का अंत, भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति, मैसूर का अंग्रेजी राज्य में विलय, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक, जब तक लिए धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें।